तीन देना सर। तीन दिन सो फ्रेंड्स, आज है संडे और हम आ चुके हैं अभी रॉक गार्डन में। रॉक गार्डन में मैं दिखाता हूँ आपको रॉक गार्डन में क्या क्या है। चंडीगढ़ में फेमस जगह दो तीन जगह हैं जिनमें से रॉक गार्डन एक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ रॉक गार्डन में और अच्छा हुआ कि अभी शाम के टाइम आया हूँ। अभी बादल भी लग गए हैं तो मौसम भी ठीक है। और मेरे साथ हैं दो मैडम साथ में हैं और अभी हम घूमने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं, एंट्री करेंगे थोड़ी देर में। सो एंट्री के लिए जाते हैं, टिकट हमने ले ली है। सो चलिए अंदर चलते हैं। उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ की एंट्री कैसी है। तो दोस्तों, दूसरे एरिया में जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो कि स्केचेस बनाते हैं लोगों के। और मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपये लेते हैं एक स्केच, पेंसिल स्केच बनाने का। सो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं, पेंसिल स्केच अपना बनवा सकते हैं, पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं जो कि आप अपने साथ एज ए सुवीनियर अपने घर ले आ सकते हैं। रॉक गार्डन के और देखिए और यहाँ से गुजरते हुए कुछ ये देख सकते हैं आप। ये सारे जो पहाड़, ये जो पत्थर है, दीवारें ये हैंडमेड बनाए गए हैं ये दीवारें। और दोस्तों, रॉक गार्डन के अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक्वेरियम सेक्शन है, यहाँ पे अलग अलग तरह की फ़िश टैंक्स हैं जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ की फ़िश रखी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग वैरायटीज़ की फ़िशेज़ रखी हुई हैं सारी की सारी। और यहाँ पे और भी बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे कि एक लाफिंग मिरर्स भी है जिसमें आप अगर उसके मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो शेप है वो बड़ा छोटा या मोटा शेप, बॉडी शेप दिखता है, जिसे देख के अच्छा लगता है। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है यहाँ पे जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं आपको। और ये देखिए दोस्तों, ये खूबसूरती आपको कहीं नहीं मिलेगी जो रॉक गार्डन के अंदर चंडीगढ़ में खास करके देखने को मिलती है इस तरीके की खूबसूरती। ये एक डस्टबिन है जो कि हैंडमेड डस्टबिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इस डस्टबिन को बनाया गया है। काफ़ी अट्रैक्टिव डस्टबिन है, मैं तो कहूँगा कि कोई भी इसमें कुछ ना कुछ डालना ज़रूर चाहेगा। यहाँ पे रेगुलरली फंक्शंस भी होते रहते हैं, पूरा स्टेज बना हुआ है और ऑडिटोरियम टाइप ओपन ऑडिटोरियम है, बैठने की जगह है। और साथ ही साथ एक नया सेक्शन यहाँ पे शुरू किया पपेट्स का, जिसमें आपको पंजाब के सारे कल्चर्स पपेट के थ्रू दिखेंगे। जैसे कि पढ़ाते गाँव में किस तरीके से पढ़ाई होती है या किस तरीके से शादी होती है या किस तरीके से लोग मिलते जुलते हैं, आपस में बैठते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, यहाँ से बारात जा रही है, दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ है और दुल्हन पीछे डोली में आ रही है। और ये भी देख सकते हैं, उसके पीछे बाराती चले आ रहे हैं।
यहाँ पे एक बाबा हैं जो कि ज्ञान बांट रहे हैं, और आगे भी देखें ये गोबर के उपले इसके शेप बनाए हुए हैं, किस तरीके से गांव में गोबर के उपलों को रखा जाता है, ये सारा जो पंजाब का कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये आ चुके हैं हम एंड वाले एरिया में जहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं रॉक गार्डन के, और यहाँ पे रॉक गार्डन एंड होता है, उसके आगे नहीं बनाया, आगे एक और पोर्शन बनाने वाले हैं उस तरफ को बच्चों के लिए, अगर अभी यहीं तक है झूले को झूला भी झूल लेते हैं, आए इतने दूर तो झूले झूल के जाएंगे थोड़ा सा। और मौसम देखिए आप, बादल लग चुके हैं काले काले, और कोशिश है कि यहाँ से अभी लेक भी जाएंगे तो लेक की वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और ये जो जितना भी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, जो ये वाइट पेट आप चिप्स देख रहे हैं, सारे जो है वो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि टॉयलेट हो गया या टाइल्स हो गई या किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती हैं उनसे निकला हुआ, जो भी सेरेमिक प्लेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अलग अलग शेप्स बनाए गए हैं, पूरे जो रॉक गार्डन है उसको अलग तरीके से एक दर्शाया गया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चूड़ी को यूज़ किया गया है इन सब स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, अलग अलग रंग बिरंगी चूड़ियों को यूज़ किया गया है, उनसे इनको ड्रेस पहनाई गई है। और आगे चलते हैं, और यहाँ पे सारा का सारा रॉक गार्डन का सफ़र हमारा ख़त्म हो चुका है ना, कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। अच्छा अच्छा लगा कि ऐसे ही? और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश होने वाली है, बादल जो है वो काफ़ी तेज गरज रहे हैं और मौसम काफ़ी बादल लग गया है और बारिश होने वाली है, बारिश में कुछ पड़ भी नहीं है। और पीछे बादल चमक रहे हैं जोर जोर से, और ये हम बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गए जहाँ से एंटर करके गए थे, और मैंने आपको फाउंडेशन स्टोन दिखाया था पहले, और अभी बाहर आ चुके हैं, मौसम काफ़ी खतरनाक, और अब जाएंगे लेक की तरफ, लेक चलना कहते ये लेक के घूमने का ही मौसम हो रहा है, लेक चलते हैं, आंधी काफ़ी तेज है, खतरनाक हो गया है। और गाड़ी देखनी पड़ेगी कहाँ लगाई थी। जाओ